बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार करने के एक दिन पूर्व अपने आखिरी भाषण में जो बातें कही थी उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आजाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आजाद था और हमारे यहां अनेक रिपब्लिक भी थे और उन्होंने आगे व्यथा व्यक्त की थी, लेकिन अपनी ही गलतियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक कैरेक्टर भी गंवाया है। ऐसे में बाबा साहब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं? क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं? आज अगर बाबा साहब होते तो उनसे अधिक प्रसन्नता शायद किसी को होती, क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवालों का उत्तर दिया है बल्कि अपनी आजादी को, लोकतंत्र को और समृद्ध और सशक्त किया है। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बीते 7 दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्ण रखने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। मैं विशेष तौर पर 130 करोड़ भारतवासियों के सामने नतमस्तक हूं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के प्रति आस्था को कभी कम नहीं होने दिया, हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना, गाइडिंग लाइट माना।